महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्री मद भागवत कथा श्री राम कथा भजन श्रवण के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बन जाने हते बन जाने हते के कई कुंदों से लगाए मोरे राम। बन जाने हते बन जाने हते के कई कुंदों से लगाए मोरे राम। बन जाने हते बन जाने हते के कई कुंदों से लगाए। छाण सुरसरी तट आए अवध छाण सुरसरी तट आए केवट के मृदु बचन सुहाए। केवट के मृदु बचन सुहाए सबरी के जूठे भेर खाने हते खाने हते के दो दो से लगाए। राम तुम्हें जो करना होता है तुम वही करते हो और तो सभी पात्र आपके खिलौने हैं। यही बात तब लक्ष्मण जी ने कही थी। थोड़ा सा एक चिंतन देखना। लक्ष्मण जी महाराज जैसा बड़ा आलोचक समालोचक आलोचक नहीं समालोचक कोई और है नहीं। लक्ष्मण जी महाराज ने परशुराम जी को नहीं छोड़ा जो भगवान के अवतार है। जनक जी को नहीं छोड़ा। लक्ष्मण जी महाराज ने भरत जी को भी नहीं छोड़ा। तेऊ आज राजपद पाई चले धर्म मर्याद मिटाई समर सरोस आज मुख पेखी समझ परे सुई आस विसिखी। दूसरों की बात छोड़ो राम जी के इष्ट देव शंकर जी को नहीं छोड़ा। जो सतशंकर करें साई तदप यहतों रण राम दुहाई। तो राम जी को तो छोड़ दिया होगा ना। सुंदरकांड में एक चौपाई है वो सोचना किसके लिए कही है कि कायर मने कहूं कादर मने कहूं एक अधारा दैव दैव आलसी पुकारा। ये आलसी और कायर किसके लिए कहा गया है रामी जी के लिए कहे। लेकिन इस पात्र ने इस महापात्र ने जो लक्ष्मण जी राम जी का अत्यंत प्रिय है किष्किंधा कांड में जो 14 उपमाएं राम जी को हैं वही लक्ष्मण जी को है। कुंदेन्दी वर सुंदरऊ अति बलऊ हर एक शब्द के बाद में दो वचन है माने जो उपमा राम जी को है वही लक्ष्मण जी की। कुंद इंदु पुष्प के समान जो सुंदर कुंदेन्दीवर सुंदरऊ अतिबलऊ दोनों ही अति बलवान। विज्ञान धाम उभऊ दोनों ही विज्ञान के धाम हैं। सौभाग्यऊ दोनों ही शोभा सौंदर्यता के धाम हैं। वरधन विनऊ दोनों ही श्रेष्ठ धनुधर हैं। विज्ञान धाम बहु सौभाग्य वर्धन बनऊ श्रुति नतऊ दोनों ही वेदों के परिपक्व ज्ञाता है। गौ विप्र वृंद प्रियऊ गौ और ब्राह्मणों के लिए दोनों ही परम प्रिय है। गौ विप्र ब्राह्मण प्रियऊ माया मानुष रूपिणऊ दोनों ही जगत कल्याण के लिए माया के द्वारा मनुष्य रूप धारण करके है। माया मानुष रूपिणौ रघुबरहू और दोनों ही रघुबर हैं। रघुवीर कहते किसे है मालूम जिसमें 5 विशेषताएं हो 5 वीरताएं उसे रघुवीर कहते हैं। त्याग वीरो दया वीरो विद्या वीरो विचक्षणा
पराक्रमश्च धर्म वीरो रघुवीरा सदा सता। जो त्याग करने में वीर हो, राम जी कैसे त्याग करने में वीर है, का राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटायु की नहीं, ऐसे वीर है। जैसे सर्प कैंचली को उतार करके चल देता है फिर पीछे पलट करके नहीं देता, ऐसे ही रघुनंदन श्री राम जी अवध को छोड़ करके चल दिए। राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटायु की नहीं। बटायु मानी जो रसोई रास्ते का बटोहिया होता है ना, तो रास्ते में किसी वृक्ष के नीचे या किसी कमरे में कहीं धर्मशाला में रुक जाए तो कोई ममता थोड़ी होती, वो तो गेट ऐसे अटकाते हुए चल देता है। त्याग वीरो दया वीरो, इतने दया वीर हैं। हाँ, ये राम जी के लिए तो ठीक लगता है लेकिन लक्ष्मण जी के लिए दया वीरो आपने कैसे कह दिया। मैंने बताया था लक्ष्मण जी महाराज को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मंगलाचरण की, देखो और जितने भी पात्र हैं उन सब पात्रों का मंगलाचरण एक या दो चौपाई में ही किया है। जानकी जी का, राम जी का, जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो और जासु कृपा निर्मल मति पावन, दो चौपाई। राम जी के लिए का राजीव नयन धरे धन सहायक भगति विपत्ति भंजन सुखदायक, और इनके लिए राजीव नयन धरे धन सहायक भगति विपत्ति भंजन सुखदायक, इनके लिए भी केवल दो चौपाइयों से और भरत जी को एक चौपाई से। प्रणवाओ प्रथम भरत के चरणा जासु नेम व्रत जाय न। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज का जो मंगलाचरण किया है चार चौपाइयां है। बंदों लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुके, रघुपति की रहती विमल पताका, दंडे माने भयऊ जैसे जा, शेष सहस्त्र जग कारण जो अवतरियो भूमि भैसा, सदा सुसान हो भूल रहो पर कृपा सिंधु सौमित्र हुना। चार चौपाई और इन चार चौपाइयों में दो बार कृपा सिंधु का है। शीतल, शीतल मानी कृपाहित हुआ, कृपा सिंधु सौमित्र गुना। तो त्याग वीरो दया वीरो विद्या वीरो, जो विद्या में वीरो हो, विचक्षणा विद्या वीरो विचक्षणा, पराक्रमश्च जो पराक्रम वीरो, और जो धर्म वीरो। लक्ष्मण जी महाराज में ये पांचों वीरताएं हैं जो राम जी में, इसलिए इनको कहा गया धर्म वीरो सदा सता। ये जो लखनलाल जी महाराज है ऐसे लक्ष्मण जी महाराज, तो मैं आपको ये चर्चा कर रहा था कि केकई ने लक्ष्मण जी महाराज ने सबकी आलोचना की लेकिन केकई की आलोचना कहीं अगर की हो तो अभी तीन दिन और हैं अपने राम सेवा में, तो आपको ये चौपाई निकाल के देना यदि केकई के लिए कुछ कहा हो। एक जिसने लक्ष्मण को भरत को नहीं छोड़ा, शंकर जी को नहीं छोड़ा, अपने राम जी को नहीं छोड़ा, भैया भरत को नहीं छोड़ा, जनक परशुराम जी किसी को नहीं छोड़ा, उस महापुरुष ने यदि केकई के लिए कोई शब्द कहा हो तो मुझे बताइए। आप खोजेंगे तो उत्तरकंड का एक दोहा लाएंगे मेरे पास कि लक्ष्मण सब मातन मिले हर से आशीष पाए, केकई कहां पुण्य पुण्य मिले लेकिन मन कर क्षोभ न जाए। आप कहेंगे कि इसमें तो है लेकिन क्षोभ के अर्थ दो होते, क्षोभ मानी दुखित होना, क्षोभित होना, दुखित होना। लेकिन इस चौपाई में, इस दोहे में यह ध्वनित कहां होता है कि लक्ष्मण जी को कोई रोष था। अगर आप किसी को बुरा मानते हो, किसी व्यक्ति को आप, कोई बुरा व्यक्ति आपको लगता हो तो वो व्यक्ति जिस गली में रहता है आप उस गली से नहीं गुजरना चाहते, कहते क्या करें यार कहीं उसका चेहरा न दिख जाए, मैं उस गली से जाना बंद कर दिया। लेकिन इस दोहे में लिखा कि लक्ष्मण जी महाराज सभी माताओं से मिले और आशीर्वाद लेकर के प्रसन्न हो गए
लेकिन केकई से एक ही बार नहीं मिले, जिससे बुरा लगता बार बार क्यों जाते लक्ष्मण जी उसके पास। इसमें लिखा है केकई कहां पुनी पुनी अगेन एंड अगेन, बार बार जाकर के मिले लेकिन मन कर क्षोभ न जाए, मन का क्षोभ नहीं जाता। किस बात का? क्योंकि राम जी चित्रकूट में लक्ष्मण जी ने अनेकों प्रश्न किए हैं, उसमें राम जी ने बताया है कि लक्ष्मण ये तुम्हारा जितना काम है सब केकई ने किया है।